साल कुशलता से चली, सफलता से चली, तो वह मेरे जीवन का सबसे सुखद क्षण था। मैंने उनको कहा 5 बार मिलने के बाद कि साइलेंस स्पीक्स, साइलेंस जो है ये चुप नहीं, साइलेंस में सबसे बड़ी शक्ति होती है, और इवन साइलेंस स्पीक्स, और साइलेंस स्पीक्स के जो धनी हैं वो अश्विनी जी हैं, और मैं अनुरोध कर रहा हूँ आचार्य गिरिराज किशोर जी से कि वे आशीर्वाद दें श्रीमान अश्विनी जी को, आचार्य गिरिराज किशोर जी। माननीय बंधुओं भगिनियों, अश्विनी जी के विषय में वास्तव में क्या कहा जाए। बहुत दिन साथ रहा है, वास्तव में बड़े अच्छे मित्र, अच्छे कार्यकर्ता, सब प्रकार से पूर्ण इस प्रकार के अश्विनी जी हैं। मैं उनके स्वस्थ दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। चित्रगुप्त फाउंडेशन की ओर से चित्रगुप्त पार्क केशवपुरम में एक बहुत बड़ी प्रतिमा, भव्य प्रतिमा चित्रगुप्त महाराज की लगी हुई है। गत वर्ष वहीं पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चित्रगुप्त फाउंडेशन की ओर से हुआ, और उसमें अनेक समाज के प्रतिष्ठित, राजनीतिक क्षेत्र के, सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ता थे। शत्रुघ्न सिन्हा, शाहनवाज खान, ये सब लोग थे ही, और आज भी उनके आने का, यानी हेमा मालिनी तक ने अपना और निश्चित कर दिया था कि मैं पहुंचूंगी, परंतु ये जो गत एक मास में जो देश के 6 राज्यों में जो राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी हैं, इस कारण से उनका वहां रहना अधिक महत्वपूर्ण हो गया। अब मैं नीतू जी श्रीवास्तव से अनुरोध करूंगा, नीतू बहन जी से, कि शाहनवाज जी का जो शुभ संदेश है, शुभकामना संदेश है, वे पढ़ें। नीतू जी आ रहे हैं। सैयद शाहनवाज हुसैन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक्स यूनियन मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनका संदेश हमें प्राप्त हुआ है। प्रिय श्री सुरेश श्रीवास्तव जी, मुझे आपके द्वारा प्रेषित चित्रगुप्त फाउंडेशन के संरक्षक श्री अश्विनी कुमार, पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ नेता भाजपा के 80वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित भजन संध्या के पुनीत कार्यक्रम में आने का निमंत्रण पत्र मिला, लेकिन पार्टी के पूर्व निर्धारित चुनाव प्रचार के कार्यक्रम के चलते मुझे मध्य प्रदेश जाना पड़ रहा है। इस कारणवश मैं नहीं उपस्थित हो सकूंगा, जिसका मुझे हृदय से खेद है। आदरणीय अश्विनी जी के संपर्क में मैं सन 1985 से हूँ तथा राजनीति में वह मेरे सरपरस्त रहे हैं। अश्विनी जी समाज के उन गिने चुने लोगों में से हैं जिन्होंने सदैव समाज को कुछ दिया है। मैं दिल की गहराइयों से अश्विनी जी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी ओर से आपको एवं चित्रगुप्त फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम की सफलता के लिए हृदय से शुभकामनाएं। आपका सैयद शाहनवाज हुसैन, धन्यवाद। नौ बजे के बाद हम भोजन की ओर प्रस्थान करेंगे। 20 मिनट का एक निश्चित समय हमारे पास है।
श्री शांति स्वरूप जलोटारी के सुपुत्र श्री अश्विनी जी, आपकी माता जी श्रीमती सरला जलोटा बहुत ही साधारण परिवार में जन्म लेने के पश्चात और आपने अपना सारा जीवन समाज के लिए समर्पित किया, यह संदेश आज की पीढ़ी में हमारे पास जाए, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। मैं इससे पूर्व कि अश्विनी जी अपने उद्गार व्यक्त करें और उनको आशीर्वाद देने के लिए मदनदासी देवी कुछ कहें, उससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली प्रांत के संघ चालक श्री रमेश प्रकाश जी से अनुरोध करूंगा कि वे आशीर्वाद दें। मातृशक्ति तथा साथियों, ऐसे श्रेष्ठ कर्मठ कार्यकर्ता के जन्मदिन पर सबको प्रसन्नता होना बड़ा स्वाभाविक है। उनका जीवन हम सबको प्रेरणा देने वाला है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको उनके आयु बड़ी करे, परंतु स्वास्थ्य अच्छा रखे। हमारे यहाँ कहते हैं कि 100 साल जियो, मगर उसके अंदर स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, निरोग होना चाहिए। तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता जिसका समाज के अंदर बड़ा योगदान है, हजारों कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने वाला ऐसा जीवन और अच्छा श्रेष्ठ समाज से बने, इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को। हम सबके प्रेरणा स्रोत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह श्रीमान मदन दास जी, अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं अश्विनी जी को। जिनका 80वां जन्मदिवस है, ऐसे आदरणीय श्री अश्विनी जी, उनके साथ बैठे हुए अपने माननीय कैलाश जी, इस सभागृह में आए हुए अश्विनी जी के सभी रिश्तेदार, पुरुषोत्तम लाल जी, उनकी बहन जी और अन्य सभी रिश्तेदार और अश्विनी जी के स्नेही प्रेमी देवी और सज्जनों, अश्विनी जी का परिचय नाना जी ने अत्यंत संक्षिप्त में करा दिया कि वे 13 साल की आयु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने और आजीवन में स्वयंसेवक है, इसमें उनका सारा परिचय आता है। और संघ की योजना से, आज्ञा से उन्होंने आज तक काम किया है। अब ऐसा कोई व्रत लेना और उसको जीवन भर निभाना, ये कोई आसान बात नहीं है। वे जिस प्रकार का इंजीनियरिंग का उच्च शिक्षा उस समय प्राप्त की BHU से, और आगे पढ़ने के चांसेस रहते हुए भी वे संघ के प्रचारक गए, यानी घर छोड़कर समाज का यानी स्वतंत्रता के लिए युवकों को प्रेरित करने का काम उस समय उन्होंने किया। लेकिन उनके सभी भाई और बहनें छोटे होने के कारण, पिताजी माताजी के जाने के कारण, घर के सबसे बड़े होने के नाते उन्होंने अपना कर्तव्य घर के बारे में भी निभाया, यानी घर में आकर उन्होंने सबकी पढ़ाई, सबकी शादी कराने में उन्होंने सहयोग किया, उसके लिए व्यापार उद्योग भी किया। लेकिन ये व्यापार उद्योग अपने लिए नहीं किया, अपना घर बसाने के लिए नहीं किया, तो वह सब छोड़कर दोबारा संघ की योजना से जनसंघ का काम करने के लिए, यानी जनसंघ के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते, संघ के प्रचारक के नाते दोबारा निकले।
मैंने उनका पहली बार नाम सुना आपातकाल में। आपातकाल में माननीय केदारनाथ सहानी और अश्विनी कुमार जी, ये भावराव जी देवरस के अत्यंत विश्वसनीय कार्यकर्ता, जिनको जो काम दिया जाएगा अत्यंत कुशलता पूर्वक वे करेंगे, ऐसे दो कार्यकर्ता उनको इमरजेंसी में, उस समय जो स्वयंसेवक जेल में थे, जिनके परिवारों के कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं थी और इमरजेंसी का संघर्ष करने का जो काम बाहर रहकर करना है, जेल में जाना तो आसान था, जेल में जेल के बाहर रहकर भूमिगत रहकर और ये भूमिगत संघर्ष के लिए साधन जुटाने का काम अश्विनी जी ने किया। तो इस प्रकार के कठिन कार्य को लिए भी आपकी योजना उस समय बनी, उसके बाद भी आप उसी योजना से बिहार प्रदेश में, झारखंड में मिलाकर थाओ, उसमें काम करते रहे। और अश्विनी जी के बारे में कह सकते हैं कि उनकी जो योजना बनी, जैसी बनी, जो काम दिया उन्होंने श्रद्धापूर्वक, समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, पार्टी हित के लिए और श्रद्धा से किया, ऐसा जीवन जीना ये आसान नहीं रहता है, जिसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है और जहाँ पर कार्यकर्ताओं के सामने एक आदर्श के रूप में जीना, और वे भी राजनीतिक क्षेत्र में, आसान नहीं है। आयु बढ़ने के बाद दो बार वे राज्यसभा के सदस्य बने, वहां भी आपने काम किया, लेकिन आज भी वे पार्टी के लिए, पार्टी की योजना से, पार्टी का ही काम कर रहे हैं। ऐसा जीना वैसे देखा जाए तो एक लाइन में जीवन का परिचय हो सकता है, लेकिन यह जीने के लिए यानी स्थिरता रखने के लिए, जैसे लट्टू होता है वह स्थिर रहना है तो वह गतिमान होना चाहिए, वो रुक गया तो गिर जाएगा, ऐसे स्थिर रहने के लिए भी गतिमानता से जो काम करते रहते हैं और कभी भी दोलायमान नहीं होते हैं, अपना संतुलन नहीं खोते हैं, दूसरों का संतुलन कायम रखने के लिए काम करते हैं, यह तपश्चर्या, यह साधना और यह समर्पण आपके जीवन में रहा है, जिसके कारण उनका आज सभी में सम्मान है, सम्मानित जीवन है, घर में भी है, घर के बुजुर्गों में भी है, जैसे पुरुषोत्तम जी ने बताया, छोटे में भी है और हम जैसे कार्यकर्ताओं में भी है। इसलिए हम जैसे कार्यकर्ता उनकी ओर देखकर यही कह सकते हैं कि ऐसा आदर्श जीवन जीने की साधना करना, जिसके और मार्ग पर हम चले हैं, क्या हमें संभव है, वैसा चलने की प्रेरणा भगवान हमें दे। और वे अब इतने चले हैं, उनकी ये साधना और उनका दीर्घायु जैसे अपेक्षा अटल जी ने की है कि शतायु बने, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो और उनके जीवन का मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को मिलता रहे, समाज को मिलता रहे और समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा समाज के कुछ लोगों में उत्पन्न हो, इस प्रकार का एक दीप से अनेक दीप जलते हैं, ऐसा उनका दीप जैसा जीवन जलता रहे, यही भगवान से प्रार्थना है और उनसे हम सब लोग कुछ प्रेरणा ले, यही हम सब लोगों से अपेक्षा है। इतने ही आज के दिन उनको शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरा भाषण पूरा करता हूं। अश्विनी जी के जीवन से जो कुछ भी मैंने अनुभव किया, बी सिंपल बट बी सैंपल, सिंप्लिसिटी नो डाउट इट्स गुड, बट वी हैव टू बी ए सैंपल इन सोसाइटी, बी ऑर्डिनरी बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, द लेस यू स्पीक द मोर यू आर लिसनिंग टू, विनर्स आर नॉट दोज हु समटाइम्स विन बट दोज हु नेवर क्विट, ये सारे
अश्विनी जी के जीवन में वाक्य रहे हैं। जब समस्याएं आई और उस चुनौती को स्वीकार करना है तो आपने कहा, कहो न खुदा से कि लंगर उठा दे, मैं तूफानों की जिद देखना चाहता हूं। ऐसे एक संकल्प के साथ वे आगे बढ़े। सितारों का न छू पाना कतई शर्म की बात नहीं, किंतु सितारों का न होना शर्म की बात। प्रयत्न न करना, आगे न बढ़ना, ये शर्म की बात है। हम सितारों को ना छू पाए ये शर्म की बात नहीं है। हम नहीं छुएंगे, कोई और छुएगा। यज्ञ हित हो पूर्ण आहुति, व्यक्तिगत संसार स्वाहा, देश के कल्याण में हो अतुल धन भंडार स्वाहा, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। और अंत में मौन तपस्वी साधक बनकर हिम गिरीसा चुपचाप गले। यह परिचय है अश्विनी जी का, और मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वे हमें संबोधन करें, अपने उद्गार व्यक्त करें। श्री अश्विनी, मान्यवर भाई पुरुषोत्तम दास जी, हमारे संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी मदन दास जी, रमेश चंद्र जी, हमारे अग्रज कैलाशपति जी और सभागार में बैठे भाइयों और बहनों, आप सब यहाँ आ जाए इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सब ने समय निकाल कर मुझे जन्मदिन की बधाइयाँ दी, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। भगवान से प्रार्थना है कि मुझमें शक्ति दे, बल दे, ताकि मैं जैसे आज तक कर्तव्य पथ पर चलता रहा हूं, आगे भी चलता रह सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। संस्था के अध्यक्ष श्रीमान सुरेश जी, आभार ज्ञापन के लिए। और अश्विनी जी की ओर से अंत में एक बार, इट इज बेटर टू लाइट ए कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस, इट इज बेटर टू लाइट ए कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस। अंधकार को क्यों धिक्कारें, आओ मिलकर दीप जलाएं। ऐसा संदेश संघ का, समाज सेवकों का, देश प्रेमियों का, राष्ट्रभक्तों का रहा है। हम सब उसी संगठन के सिपाही हैं। आज इस कार्यक्रम से ये प्रेरणा लेकर हम जाएंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। श्री सुरेश, आज मौलोत्तर हाल सभागार में माननीय अश्विनी जी, जो हमारी संस्था के भी संरक्षक हैं और मेरे भी संरक्षक हैं, के जन्मदिवस पर आप सब ने उपस्थित होके बहुत हम पे ऋण किया है। मैं संस्था की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि कार्यक्रम के उपरांत भोजन की व्यवस्था है, आप सब भोजन करके जाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। कृपया सम्मान देने के लिए खड़े हों। वंदे वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्नां पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित रुग्मकर शोभिनी सुहासिनी
Mom.